आज दो दफ़ा आपको लिख देता हूँ। अब देखो ना, इसमें जो चीज़ देखने वाली होती है, आप में से कई लोगों ने गलती ये की है कि जैसे सुबहाना एक जो साथ का तो थे वो आपने साथ नहीं लगा है ना। ये देखो, नहीं ये फ्रेम के लिए अलग अलग देखो, तो ये देखो ना आपकी लाइन तो ये चल रही है, ठीक है ना, ये चल रही है। अरे पापा पर लेके यहाँ एक अच्छी पेंसिल का आपको निशान लगा दो, आप प्लीज अपनी सराउंडिंग्स की जरा, ये आपकी है जो नहीं, बी अ लिटिल मोर सेंसिटिव। अब देखना ये हमें हो चाहिए कि ये फासले अगर बराबर रहे, आपको अब मैं फ्री इस थोड़ा सा करना है, मैंने फ्री उसमें करना है कि आप क्रिएटिव अपना काम भी शुरू करें सर। ये आप, हाँ ये अभी आप देखो ना, इसमें ये जितने अलिफ बराबर होते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आपके, अब यहाँ ये आएगा आपके पास ला। कई लोग हैं कि जो बिल्कुल साथ ही घूमते चले जाते हैं, इसको थोड़ा सीधा इस तरफ आप आप इसमें ये देखें कि ये है, देखो ना इसमें आप लिखते हुए देखो, कई लोगों ने जो पहले इसी कलम से लिखा है 10-10 खत के अंदर, तो ये होते ही 4 खत है, देखना 1, 2, 3 और ये 4, और पांचवें में इसका जो है ये टर्न। मैं अभी आपको वो पिछली गलती भी बताता हूँ कि आप लोगों में से गलतियाँ क्या क्या। देखो ये दोनों बराबर हैं, जबकि ये इससे आके एक का छोटा, और यहाँ से एक कद के फासले पर नीचे लाना है ये देखें, और इसकी मोटाई जो है ये आधा कद होनी चाहिए, और इसको आप यहाँ, तो गोया यहाँ से ये दो कद, अब इस जगह से चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैबंद है एक मीम का, इसलिए इसको थोड़ा सा हाइट से लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। ये मीम क्या, हाँ
यानी जहाँ से आपकी ये लाइनिंग शुरू हो रही है वहाँ से फिर वही पांच कद की आपकी जीम आएगी। तो साजी हम इसको ये जो मीम का आपने डाला है हाँ हाँ इसको हम यूँ कलम फेंक रहे हैं। तो ये तीन कद है ना कैसे मतलब कि अगर कलम हम यूँ एक सीधी रखें और उसको यहाँ से मतलब ये आप चाहती हैं कि इस तरीके से आए वो तो फिर ऊपर से इधर से शुरू होना फिर तो पूरा आपका जीम आएगा ना। तो ये देखो ना दोबारा आप इसको यूं उसके बराबर लें जब एक कत आपका रह जाए ये दो कत में इसका टर्न आएगा ना जैसे जीम का आता है। तो ये देखो ना ये दो कत अब ये हिस्सा इस तरह से है कि फिर इसको आप ये देखो ये बारीक है अब ये हिस्सा जो है इसके मुकाबले में आपने लाना है देखो ना ये यहाँ पे आप अब अगर इसको मिला दें तो ये देखो ना मन की तरह बन गया ये इस तरीके से। कई लोग इस तरह करते हैं कि मसलन मीम ये है ना तो यहाँ पे दाल कर देते हैं यहाँ पे कर देते हैं तो वो राग हो जाता है वो उस तरह नहीं। अल्लाह ताला अकल और बसीरत अता फरमाए हाँ क्योंकि जिसको बसीरत अता होती है अल्लाह उस पर राजी हो जाता है। ये हिदायत की दुआ तो मानते रहना चाहिए क्या पता है अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी आदमी को गिरफ्त में ले लेता हूँ तो उसके बुरे काम भी उसको अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए मतलब ये है कि हमें ये हर वक्त अपनी किसी बात पर इतराना नहीं चाहिए। अब देखो ये है रे बिल्कुल अब यहाँ से रे आप ले आए ठीक है ना ये वही रे जो आपने पहले थे। मुझे हैरत है ख़ास तौर पर आज जो इसने लिखा है वरदा ने या वो किसने लिखा है सुनाओ आपने लिखा है या अपने किसने तो आपने लफ्ज़ को बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है या जवेरिया ने लिखा है जवेरिया ने भी नून को पांच कत में नहीं लिया तो ये इस तरीके से आपको जो है ना वो कई आप ऐसे यूँ वाह बनाते हैं इतनी बड़ी वाह इतनी बड़ी वाह हमने क्या करनी है बाबा ये देखो ये सिर्फ दो कद की वाह बस ये देखे ना सिर्फ दो कद चार कद की छः कद की वाह हमने को अचार डालना है उसका अभी आपको तेज़ी देखो लफ्ज़ों को लफ्ज़ों की मेयरमेंट जो पैमाइश है उसके मुताबिक आप करो ना उसमें कंप्रोमाइज़ ना करो अभी तो हमें बहुत आगे कई रस्म खत का और ले लेना चाहिए था जी हम ये कर सकते हैं कि घोड़े पे इस पे जब बनाए तो पहले पेंसिल से लाइनें लगा मैंने कोई इनकार तो नहीं किया ना मतलब फिर वो बाद में रेस तो हो जाएंगी ये देखो ये बेशक जितनी अलिफ आप रखो उसमें ये कद पूरे रखो दो तीन चार पाँच अब इसमें देखो ना यहाँ एक बड़ा ये इस तरह करें शब्द इधर डालेंगे ऊपर अब
अलिफ जो है हम इतने ही फासले पे करेंगे, अच्छा आप में से मैंने कई लोगों का काम देखा है। हाँ बिल्कुल सेम।